आसानी से देखना दोस्तों, y और y एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर मैं इधर y की स्क्वायर कर दूं तो इधर भी y की स्क्वायर करनी पड़ेगी, दोनों इक्वल है। अगर मैं इस y की स्क्वायर में से y की स्क्वायर माइनस करूं तो इस वाली साइड भी y की स्क्वायर में से y की स्क्वायर माइनस करनी पड़ेगी, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो इधर बचेगा y माइनस y, और इधर देखो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फॉर्मूला लगेगा, तो y प्लस y यानी a प्लस b और y माइनस y। मैथ्स के धुरंधर जानते हैं कि ये y माइनस y और ये y माइनस y कैंसिल हो सकता है, तो इधर बचेगा सिंगल y और इधर y प्लस y 2y बच गया। अब आप देखो ये y से y कैंसिल और 1 इधर और 2 इधर, क्या 1 2 के बराबर आ सकता है? अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप अपने आप को मैथ्स का धुरंधर समझते हो तो अपना रिएक्शन दो कि क्या मैथ्स यहाँ पर हार गया।